हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर नासिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है योगी जी को धमकी देने वाले मोमिन का हाल और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। तो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। यार वो एक हमने क्या कहते हैं उसको, उबेदुर का एक छोटा भाई बताया था हमने, याद है आप लोगों को? इधर उबेदुर के छोटे भाई का वीडियो बताया था, योगी जी को धमकियां दे रहा था, चैलेंज कर रहा था योगी जी को, याद है? किस किस को याद है? उबेदुर का छोटा भाई हमने यहाँ पे दिखाया था जो योगी साहब को धमकियां दे रहा था, उसका एक अपडेटेड वीडियो आया है, जरा देखते हैं। अमित साहब लगाइए जरा। ये देखिए कौन सा पेंसिल है, ये कौन सी पेंसिल है, कहां से चूसी हुई अंबी निकाल ली है, चूसी हुई अंबी कहां से निकाल ली है? देखे देखे सुने जरा, मेरे सारे फुल स्क्रीन कर दो अमित। हां ओहो, लेकिन खान साहब उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं मुसलमानों को, वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज अलग दिखा दो, हम करे लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज का, इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। चैलेंज चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज जी। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम, मेरा लड़का है मतलब समीम, और उसके बाद मैंने आज वीडियो देखा और इसका दिमाग की हालियत खराब है, और हो सकता है जी, हमको पता नहीं, हो सकता है दिल्ली में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वीडियो नहीं दिख रहा हमको, मालूम नहीं। नहीं वो इसी में चल रहा है, दूसरा अलग है। 8-9 साल पहले था ये गायब था, आज तक हमने इससे संपर्क हुआ था न कोई, इसका हम खबर लिए थे, ये गायब हुआ, ये तब से नहीं आया सर। अभी ये दूसरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे आपके बारे में गलत सवाल निकला, आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश विकास कर रहे हैं। यार ये योगी ने सही योग लगाया है इसका, गलती की माफी मांग रहे। उस दिन मैं मीडिया वाले को बोला, जब मैं होश में आया सर, उस दिन मीडिया वाले के पास गए कि मेरी एक माफीनामा वीडियो बना के डाल दो, मुझे माफी मिल जाएगी। वीडियो बनाया मगर मेरी वीडियो नहीं डाला, जो भी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के ला गए उनको जो है उनको सबक सिखाती है, और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ, आप अच्छा काम नहीं। यार ये साहिल ये मुझे इस पे दुख हो रहा है यार, मुझे दुख हो रहा है चारे पे, ये मुझे दुख हो रहा है बेचारे पे यार। नहीं यार इतना भी नहीं पीटना था यार, थोड़ा कम पीटना था यार। यार यार योगी जी को मेरी तरफ से कह दो यार, नेक्स्ट टाइम जब आप पीटें तो जरा थोड़ा हल्का हाथ रख के पीटें यार, इतनी भी जोर से ना पीटो यार, गलत बात है, गलत बात है। लेकिन ये पहले वाली क्लिप में एडम साहब उबेदुर का भाई लग रहा है क्या? नहीं वही नहीं, वैसे चूसी हुई अंबी है यार योगी जी, इस चूसी हुई अंबी को पीटते हुए आपको खुद सोचना चाहिए यार, मूत्र निकल गया होगा उसका 2-3 दफा तो। नहीं यार ये कुछ ज्यादा पीट दिया यार ये, मैं योगी जी से दरखास्त हिंदी में कहते हैं सही, हाँ वही है हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं, मैं योगी जी से योजना करूंगा कि वो योजना नहीं कहते, गुजारिश करूंगा, हिंदी नहीं आती, किस किस्म के लोग यार तुम लोग, निवेदन हाँ ये लफ्ज ढूंढ रहा था मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट टाइम चूसी भी अंबी को जब भी फेंटो जरा कम फेंटो यार, मूत्र निकल गया होगा उसका, ऐसे ना करो यार, इतनी चूसी हुई अंबी को इतनी जोर से नहीं फेंटना नेक्स्ट टाइम, मेरी विनती है आपसे योगी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम प्लीज
इन चूसी हुई अंबियों को इतने जोर से मत फेंटिएगा। लेकिन इसका पहले का वीडियो फिर से लगाओ, ये वो बेदूर के भाई का स्टाइल भारी था, लेकिन ये देख लगाओ अमित। हाँ हाँ, अरे ये बीच में आ गया, एक सेकेंड। खान साहब उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं मुसलमानों को, वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज अलग डिगाड़ है, हम कर रहे हैं गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयाग। ओबेदुर की तरह बोल रहे हैं, ओबेदुर की तरह वो गुटका भी खा रहा है, मेरे ख्याल से निकोटिन निकाल के खा रहा होगा। योगी जी जब पागल बोलता है तो पागल को बोलने दे, पागलों की तरह लगता है योगी ने ना इसको जमीन पे लटा के खाऊंगा, तेरे घर पे नहीं चलाऊंगा, तेरे ऊपर ही चला दूंगा। लाल गोपालगंज में मेरा घर है जिला प्रयागराज का हूँ, इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। चैलेंज के बाद की वीडियो, चैलेंज के बाद की वीडियो लगा वो दूसरी वाली क्या? मतलब उसमें कुछ है नहीं, वो शुरू होते ही खत्म हो गया बेचारा। चैलेंज बकरा बना के काटेंगे, चैलेंज। ओ माय गॉड, याद है यार ये योगी जी का हाथ होला रखा करें यार। मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, शुरू होते ही खत्म हो गया बेचारा। योगी जी को चैलेंज कर रहा था, चैलेंज। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और काफी फनी मजे की वीडियो थी, और एकदम से वो कहते ना मूड जैसे फ्रेश हो गया, तो वो उस टाइप की वीडियो थी। सबसे मजे का जो पार्ट मुझे लगा ना, वो जो कहते नहीं चैलेंज दे रहा हूँ, मतलब वो उसने जिस लहजे में कहा ना, मैं तो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं कहती क्योंकि मेरे में इतनी वो कहते ना अबिलिटी नहीं है किसी की मिमिक्री करने की, लेकिन उसने जिस लहजे में बोला था ना, मतलब कि बहुत ही कमाल का बोला था। और बाकी जो कसर जो थी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी, वो एडम ने पूरी कर दी, चूसी अम्बी और पता नहीं क्या क्या कह के। मुझे ये समझ लगती है कि दूसरों को ये इतनी बातें करता है, ये ऐसे जैसे खुद जैसे कोई बड़ा हसीनो जमील, अगर इतना ही हसीनो जमील है तो फिर अपना चेहरा भी इसको दिखाना चाहिए, इतना फिर इसको डर किस चीज का पड़ा हुआ है कि नकाब में आता और चेहरा दिखाता नहीं है। तो बाकियों को दूसरे लोगों की अपीयरेंस पे और फेसेस पे ये बड़ी बातें करता है, लेकिन वैसे जो इसके क्या होंगे कि ये जो भी इसने बोला ना चूसी अम्बी, वैसे फिट बैठ रहा था इसके ऊपर। हम लोग को भी हंसी आ गई थी कि क्या बोल रहा है ये, लेकिन वो कहते ना कि अपना वो पाकिस्तानी होने का ये छोड़ता नहीं है, इससे रिलेटेड हाँ। जो साहिल या वो इस किस्म की लैंग्वेज नहीं यूज करते, उससे पता चलता है कि वहां पर जो है ना इस किस्म की लैंग्वेज शायद नहीं यूज की जाती ना इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की लैंग्वेज लाजमी यूज की जाती है, चूसी अम्बी और फलाना, और अगर कोई पतला सा हो तो उसको कांगड़ी पहलवान, इस टाइप की जो है ना ये बातें बोली जाती हैं। तो खैर बाकी रही बात योगी जी की, अगर मैं कहूँ तो मुझे वैसे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं हाँ। और अब तो ये मतलब कंफर्मेशन मिल गई है इनके थ्रू कि उन्होंने वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है इस बंदे का, क्योंकि उसने माफीनामा भी जो है वो चलाया। तो योगी जी के बारे में जो है ना ये बड़ा वैसे सुनने को मिलता था कि वो बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे से वो दोबारा से उनको लोग लेकर आ रहे हैं, जैसे मोदी जी है ना वैसे ही योगी जी को भी लोग बड़ा जो है ना वो मानते हैं। एक हमने इस टाइप की वीडियो भी देखी थी जहां पर वो एक गांव टाइप में की रेनोवेशन वगैरह उसकी करवा रहे थे, स्कूल वहां पर बकायदा बनवा रहे थे और काम भी जो है ना वो शुरू हो गया था। और अगर एक याद हो एक बच्ची ने भी शायद पे काम योगी जी के बारे एक तो मोदी जी को दिया, एक योगी की बच्ची थी वो तो थी कश्मीर की, लेकिन मुझे मैंने देखा बच्ची नहीं थी, एक बंदा था बुजुर्ग था उसी स्कूल में जिसे उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने योगी जी के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोला था कि वो बड़े अच्छे हैं, गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं ये वो। तो मुझे नहीं पता था कि योगी जी भी जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इंडिया में भी ऐसा होता है हाँ। यार हर जगह पर ऐसा होता है हाँ, पॉलिटिक्स हर जगह पर जो है ना वो चलती है वहां पर भी। जैसे हमने एक दिन का सीएम इनकी मूवी नहीं देखी थी, पीएम था या सीएम था, सीएम था, तो वो मतलब उसको भी देख के हमें पता चलता है कि कितने घपले थे बीच में और कितना क्या, और एंड पे उसके सारे खानदान को एक ही दिन में जो है ना वो मरवा दिया गया था। तो पॉलिटिक्स जो है ना वो हर जगह पर चलती है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है ना वो ऐसा और बाकी मुल्क ऐसे नहीं है। इंडिया में भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो भी जो है ना वो इसी तरह का ही है। फिर वही बात कि हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं, करप्शन भी हर जगह पर होती है, लेकिन फिर वही बात कि कुछ जगहों पर छुप जाती है, कुछ जगहों पर ज्यादा मंजरे यहाँ पर आ जाती है। तो यही बात है, बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी।
अच्छा मैं यहाँ पे बात करूंगी, जब हमने स्टार्ट में वीडियो देखी ना इस बंदे की और आफ्टर बिफोर वाली, जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, तो हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा सॉफ्टवेयर खाली पाकिस्तान में नहीं, इधर उधर भी जो है वो अपडेट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीरियस बात करूंगी कि जब अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो है ना, गवर्नमेंट के जितने भी हमारे लोग हैं पॉलिटिशियंस, उनको इतना ज्यादा जो है वो ट्रोल करते हैं, उनके बारे में इतनी इतनी खुलेआम बातें करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही बात करते हैं, इवन के फौज के बारे में इतनी बात करते हैं। लेकिन भाई हिम्मत है बाज लोगों को, अगर एक इनकी जो हमारी गवर्नमेंट आजकल चल रही है उनको जो है वो एक पार्टी से जो है वो इख्तलाफ है, उसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट के या पॉलिटिशियन के बारे में कोई भी बात करे, फौज के बारे में बात करे ना, इस तरह वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते कि अगर जैसे इन्होंने, मेरे ख्याल से योगी जी को जो है वो बात बुरी लगी कि मैं इनको बकरे की तरह काट दूंगा, शायद ये बात जो है वो उनको ज्यादा हिट करी कि मैं इनको बकरे की तरह काट दूंगा। वरना यहाँ पे लोग जो है पॉलिटिशियंस को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, पर ये नहीं कि फिर तो हमारे आए दिन जो है वो हर एक का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ हो। लेकिन वो एक खास पार्टी अगर आप उसके मतलब हक में बोलो ना, तो फिर आपका ये लोग जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। तो इस लिहाज से मैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को जो है वो अच्छा कहूंगी। लेकिन ये फिर वही बात, पूरी बात आप हमारी वीडियो देखेंगे, हम पूरी वीडियो में जब वो हंस ही रहे थे, वो सिर्फ एडम की बातों के ऊपर हंस रहे थे, जिस तरीके से जो लहजा बना बना के वो जो है वो इसको चूसी वीएम भी और पता नहीं क्या क्या जो है वो बोल रहा था। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वीडियो जो है वो फनी थी, एडम की बातें जो है वो हमें अच्छी लगती है। फिर आप लोग कहते हो कि तुम लोगों को भी जो है वो एडम से प्यार है, हमें एडम से प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बाज का वो इस किस्म की बातें कर देते थे कि मतलब आपको हंसी आ जाती है, आप सीरियस होकर भी बैठे हो, तो बस हम पूरी वीडियो में जो है वो उसकी बातों पे ही हंस रहे थे। बहरहाल वीडियो अच्छी थी, लेकिन मुझे योगी जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये हरकत भी जो है वो करेंगे, और ना ही करनी चाहिए यार। आप पॉलिटिशियन हो, लोग आप पे तनकीद भी करते हैं, अच्छा भी कहते हैं। अगर हम एक्स मुस्लिम की ये इनकी साहिल और एडम की बात कर लें, तो जब ये हमारे नबी पाक की बात करती है तो ये कहते हैं कि जी मतलब वो लोगों को उनमें इतनी होनी चाहिए कि लोग अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप तनकीद करो, तो अगले बंदे के ऊपर होना चाहिए कि वो आपकी तनकीद को बर्दाश्त भी करे। तो आप इतने बड़े मतलब पॉलिटिशियन हो, तो आप पे होना चाहिए कि यार इतना जर्फ तो आप में होना चाहिए कि कुछ लोगों को आप अच्छे लग रहे हो, कुछ लोगों को क्या पता अच्छे नहीं लग रहे। तो अगर उसने आपके बारे में बोल दिया, इतना आपने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, वो बेचारे को जो है वो माफी की एक वीडियो बनानी पड़ गई कि भाई मुझे माफ कर दो, तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो ये था हमारा रिएक्शन, आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।